सनन जी कहते हैं, नारद जी जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वत से नीचे उतर आए, तब पुत्र सहित परम बुद्धिमान भगवान व्यास एकांत में मौन भाव से ध्यान लगाकर बैठ के, उस समय आकाशवाणी ने पुत्र सहित व्यास जी को संबोधित करके कहा, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न महर्षि व्यास, इस समय वेद ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? तुम अकेले कुछ चिंतन करते हुए इसे चुपचाप ध्यान लगाए क्यों बैठे हो? इस समय वेद उच्चारण की ध्वनि से रहित होकर ये पर्वत शोभित नहीं हो रहा है। अतः भगवान अपने विधज्ञ पुत्र के साथ परम प्रसन्न चित्त होकर सदा वेदों का सिद्ध्याय करो। आकाशवाणी द्वारा उच्चारित ये वचन सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी के साथ वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी। वे दोनों पिता पुत्र दीर्घ काल तक वेदों का पारायण करते रहे। इसी बीच में एक दिन समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। इसे अन अध्याय का हेतु समझकर व्यास जी ने पुत्रों को वेदों के अध्याय से रोक दिया। तब उन्होंने पिता से पूछा, भगवान ये इतने जोर की हवा क्यों उठी थी? वायुदेव की ये सारी चेष्टा आप बताने की कृपा करें। सुखदेव जी की ये बात सुनकर व्यास जी अध्याय के निमित्त स्वरूप वायु के विषय में इस प्रकार बोले, बेटा तुम्हें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई है, तुम्हारा मन सदा निर्मल है, तुम तमोगुण तथा रजोगुण से दूर एवं सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो, अतः अपने हृदय में वेदों का विचार करके स्वयं ही बुद्धि द्वारा अध्याय के कारण रूप वायु के विषय में आलोचना करो। पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो वायु चलती है उसके सात मार्ग हैं, जो धूम तथा गर्मी से उत्पन्न बादल समूहों और ओलों को इधर से उधर ले जाता है। वे प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवह नामक प्रथम वायु है, जो आकाश में रस की मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है। वे महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवा नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाज के साथ बहता है, जो सदा सोम सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों का उदय एवं उद्भव कहता है। मनीषी पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रों में जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर जीमूतों को देता है तथा जीमूतों को जल से संयुक्त करके उन्हें परजन्य के हवाले करता है, वे महान वायु उद्भव कहलाता है, जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकार के नीले महामेघ खटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं, तथा जो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं ही वहन करता है, वे परतों का मान मर्दन करने वाला चतुर्थ वायु संवा नाम से प्रसिद्ध है, जो वृक्ष भाव से वेग पूर्वक बहकर वृक्षों को तोड़ता और उखाड़ फेंकता है, तथा जिसके द्वारा संगठित हुए परलेकालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण भयानक उत्पात लाने वाला है, तथा जो अपने साथ मेघों की घटाई लिए चलता है, वह अत्यंत वेगवान पंचम वायु विवेक कहा गया है, जिसके आधार पर आकाश में दिव्य जल प्रवाहित होते हैं, जो आकाश गंगा के पुत्र जल को धारण करके स्थित हैं, और जिनके द्वारा दूर से ही प्रतिहत होकर सहस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्यदेव एक ही किरण से युक्त प्रतीत होते हैं, जिससे ये पृथ्वी प्रकाशित होती है, तथा अमृत की दिव्य निधि चंद्रमा का भी जिससे पोषण होता है। उस छठे वायु का नाम परिव्यय है, वह संपूर्ण विजयशील तत्वों में श्रेष्ठ है, जो अंतकाल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शीर से निकालता है, जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा वैवस्वत यम अनुगमन मात्र करते हैं। सदा आध्यात्मिक चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार या अनुसंधान करने वाले ध्यान अभ्यास प्राण पुरुषों को जो अमृतत्व देने में समर्थ है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र बड़े वेग से संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुँच गए, तथा जिससे वृष्टि का जल त्रोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वह सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु परावे है, उसका अतिक्रमण करना सबके लिए कठिन है। इस प्रकार ये सात मरुदगण द्विति के परम अद्भुत पुत्र हैं, इनकी सर्वत्र गति है, वे सब
जगह विचरते हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज यह परतों में श्रेष्ठ हिमालय की भी सहसा कांप उठा है। वह ये वायु भगवान विष्णु का निश्वास है। जब कभी सहसा वह निश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्यथित हो उठता है। इसलिए ब्रह्मवेता पुरुष प्रचंड वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान का निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु से वायु को शोभ प्राप्त होता है। अंध्याय के विषय में ये बात कहकर प्राचर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। ये कहकर वे आकाश गंगा के तट पर गए। जब व्यास जी स्नान करते चले गए, तब ब्रह्मवेताओं में श्री सुखदेव जी वेदों का अध्याय करने लगे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। व्यास पुत्र सुखदेव जी जब अध्याय में लगे हुए थे, उसी समय वहां भगवान सनत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन शुक ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का उठकर स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वेदवेताओं में श्री सनत कुमार जी ने सुखदेव जी से कहा, महाभाग महातेजस्वी व्यास पुत्र, क्या कर रहे हो? तो सुखदेव जी कहने लगे, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के अध्याय में लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूँ जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अतः आप कृपा करके बताइए, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। तो सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के वर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, ये सर्वोत्तम श्री का साधन है, जहाँ सुख का नाम भी नहीं है। ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है और मोह जाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोह जाल में घिर जाता है, वह इस लोक और परलोक में भी दुख का ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे अब सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के श्रेय का विनाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, संपत्ति को डा से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाए। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वह विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसके अंतःकरण में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार में काग्रचित है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार ना होकर विलग सा ही रहता है, वह सब बंधन से छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। जिसकी किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, उसे महान श्रेय की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की हिंसा ना करें, सब प्राणियों के साथ मित्रतापूर्ण वर्ताव करें, इस जन्म अथवा शरीर को लेकर किसी के साथ वैर भाव नहीं करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना तथा चपलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित न होने वाले परमात्मा को जीतना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयचित
तथा संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त ना होकर सदा एकांत वास करता है वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से रहित अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे ज्ञान आनंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान आनंद से पूर्णता तृप्त हैं वह शोक में नहीं पड़ते। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, ये शुभ कर्मों से देवता होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है तथा केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख भोगते हैं, जैसे महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं। उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। कुटुंब पुत्र स्त्री शरीर और द्रव्य का संग्रह ये सब कुछ प्रायः है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है, केवल पुण्य और पाप। अर्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या कर्म पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य के विषयों में के प्रति जो आसक्ति होती है वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, परंतु जीव पापी जीव उसे नहीं काट पाते। ये संसार चक्र संसार एक नदी के समान है, रूप इसका किनारा है, मन स्त्रोत्र है, स्पर्श द्वीप है और रस्सी प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़ है, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाले डांड और धर्म इसको स्थिर करने वाला लंगर है। विषय आसक्ति के त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ सर्वविजयी सिद्ध तथा भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके नित्य सुख देने वाली अबाध सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला है, वह शांतिकारक तथा कल्याण में है। अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलने पर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, वे प्रतिदिन मूड मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। विद्वान पुरुष पर उनका जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग से मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है वह उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे धर्म अर्थ और यश की प्राप्ति नहीं होती है। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं, किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं।
यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुख उपस्थित हो जाए तथा उसे दूर करने में कोई उपाय काम नहीं दे सके तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे बड़ी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप यौवन जीवन धन संग्रह आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आए हुए संकट के लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, तथापि जरा और मृत्यु के दुख महान हैं, अतः उनसे अपने प्रिय आत्मा का उद्धार करें। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखी धार वाले बाणों की तरह शीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता ही जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीव के लिए हुए कर्मों में का फल प्राधीन नहीं होता तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती। बड़े बड़े संयमी चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं, तथा गुणहीन मूर्ख नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पाते, तो इसमें पुरुष का प्रारब्ध ही प्रधान है। देखो, वीर अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उनकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती, और कितने ही मनुष्य संतान को क्रोध में भरा हुआ सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। मानो वह स्वयं किसी प्रकार परलोक में आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही घर वैसे हैं जो पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं, और 10 महीने तक माता के उदर में धारण किए जाने के बाद जन्म लेने पर कुल अंगार निकाल आते हैं। उन्हीं मांगलिक कृत्यों से प्राप्त हुए बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो जन्म लेने के साथ ही पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। इन सब में प्रारब्ध ही प्रधान है। जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है वह अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है और परम आनंद का अनुभव करता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसके खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक दिशा में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं होते, वे और अधिक धन कमाने की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, संसारिक ऐश्वर्यों की उन्नति का अंत है उस ऐश्वर्य की अवनति, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वे पल भर भी विश्राम नहीं लेती।
अब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसार की दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक को पार कर जाते हैं। जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप रस और उत्तम गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है। उपभोग के पश्चात उनमें कुछ नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं होता, जब संयोग के बाद प्रिय का वियोग होता है तब सबको दुख हुआ करता है। अतः विवाहित पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा शिश्न और उदर की, नेत्र द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति हटाकर शांत भाव से विचरण करता है, वह सुखी और वही विद्वान है जो अध्यात्म विद्या में अनरक्त निष्काम तथा भोग आसक्ति से दूर है और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वे सुखी होता है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि सुनीति पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वभावतः यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। सनंदन जी कहते हैं, व्यास पुत्र सुखदेव से ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत कुमार जी उनसे सादर पूजित होकर वहां से चले गए। योगियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी भी अपनी स्वरूप स्थिति को भली भांति जानकर ब्रह्म पद का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक होकर पिता के पास गए। पिता से मिलकर महामुनि शुक ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलाश पर्वत को चले गए। सनंदन जी ने कहा, देव ऋषि, कैलाश पर्वत पर जाकर सूर्य के उदय होने पर विद्वान सुखदेव हाथ पैरों को यथोचित रीति से रखकर उन्नीत भाव से पूर्व की ओर मुख करके बैठे और योग में लग गए। उस समय उन्होंने सब प्रकार के अंगों से रहित परमात्मा का दर्शन किया। यो उस परमात्मा का साक्षात्कार करके सुखदेव जी खूब खुलकर हंसे। फिर वे वायु के समान आकाश में विचरने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुण के समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायु के समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सब ने अपनी शक्ति तथा रीति नीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख गंधर्व अप्सरा महर्षि तथा सिद्धगण सब आचार्य से चकित हो उठे। तत्पश्चात वह नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूम रहित अग्नि के भांति उद्दीप्त हो रहा था। आगे बढ़ने पर सुखदेव जी ने पर्वत के दो अनुपम शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालय के समान श्वेत तथा दूसरा मेरु के समान पीत वर्ण का था। एक रजत में था तो दूसरा स्वर्ण में। दोनों एक दूसरे से सटे हुए और सुंदर थे। इनका विस्तार ऊपर की ओर तथा अगल बगल में सौ सौ योजन का था। सुखदेव जी दोनों शिखरों के बीच से सहसा आगे निकल गए। वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को रोक नहीं सका। उस समय सुखदेव जी वायु लोक से ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करने लगे। परम योगवेता सुखदेव जी शेष द्वीप में जा पहुंचे। वहां उन्होंने पहले भगवान श्री नारायण देव का प्रभाव देखा। तत्पश्चात जिन्हें वेद की ऋचाएं भी ढूंढती फिरती हैं, उन देवादिदेव जनार्दन का साक्षात दर्शन किया। दर्शन के अनंतर सुखदेव जी ने भगवान जी की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जी बोले, श्री भगवान जी ने कहा, योगेंद्र,
मैं संपूर्ण देवताओं के लिए भी अदृश्य होकर रहता हूं, फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया। ब्रह्मचारी शुक, तुम सनत कुमार जी के बताए हुए योग के द्वारा सिद्ध हो चुके हो, अतः वायु के मार्ग में स्थित होकर इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों को देखो। विप्रवर, भगवान वासुदेव की ऐसा कहने पर शुकदेव मुनि उन्हें प्रणाम करके अखिल विश्व वंदित विष्णु धाम को गए। वैकुंठ लोक विमान पर विचरने वाले देवताओं से सेवित है, उसे विरजा नाम वाली दिव्य नदी ने चारों ओर से घेर रखा है। उस दिव्य धाम के प्रकाशित होने से ही ये संपूर्ण लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुंदर सुंदर पामड़ियाँ बनी हुई हैं जो कमलों से आच्छादित रहती हैं। उनके घाट मोंगे के बने हुए हैं जिनमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल जल से भरी रहती हैं। वहाँ के द्वारपाल चार भुजाधारी होते हैं, नाना प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विश्वक्सेन जी के अनुयायी एवं सिद्ध हैं। उनकी कुमद आदि नामों से प्रसिद्धि है। शुकदेव जी को उनमें से किसी ने नहीं रोका। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने सिद्ध समुदाय के द्वारा निरंतर सेवित देवादिदेव भगवान विष्णु का दर्शन किया। उनके चार भुजाएं थी। वे शांत एवं प्रसन्न मुख दिखाई देते थे। उनके श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा था। शंख चक्र गदा और पद्म मूर्तिमान होकर भगवान जी की सेवा में उपस्थित थे। उनके वक्ष स्थल में भक्ति लक्ष्मी विराज रही थी और कोष्ठ मनु से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके कटी भाग में कर्दनी, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत, हाथों में कड़े तथा भुजाओं में अंगद सुशोभित थे। माथे पर मंडलाकार क्रीट और चरण में नपुर शोभा दे रहे थे। भगवान मधुसूदन का दर्शन करके सुखदेव जी ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। सुखदेव जी बोले, संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के बीज स्वरूप सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चल आत्म रूप आपको नमस्कार है। वास की नाक की शैया पर शयन करने वाले शेत द्वीप निवासी श्री हरि को नमस्कार है। आप हंस मत्स्य वारा तथा नरसिंह रूप धारण करने वाले हैं। ध्रुव के आराध्य देव भी आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। चारों सनक आदि आपके ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप और पृथु रूप धारण किया है। आत्म आनंद ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभि पुत्र ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भृगुनंदन परशुराम, रघुनंदन श्री राम, प्रात पर श्री कृष्ण, वेद व्यास, बुद्ध तथा कलिक भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में आप ही विराज रहे हैं। जानने और चिंतन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर नारायण, शिपिविष तथा विष्णु नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है, आप धाम रहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयं प्रकाश, ऋभु अर्थात देवता, उत्तम व्रत का पालन करने के लिए विख्यात, उत्कृष्ट धाम वाले और अजित हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही विश्व रूप में प्रकट हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। यज्ञ और उनके भोक्ता स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना करने वाले वामन रूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। साहस, ओज और बल आपसे भिन्न नहीं है। आप यज्ञ द्वारा यज्ञ करने योग्य साक्षी अजन्मा तथा अनेक हाथ पैर और मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के स्वामी, उनके निवास स्थान तथा भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। आप शांग्र नामक धनुष धारण करते हैं। आठ प्रकृति के अधिपति, ब्रह्मा तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आप परमेश्वर को नमस्कार है। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा आपके तत्व का बोध होता है। आप इंद्रियों के प्रेरक तथा जगत के सृष्टा ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमल के समान हैं।
क्षेत्रज्ञ के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं, आपको नमस्कार है। गोविंद जगतकर्ता जगन्नाथ योगी सत्य सत्य प्रतिज्ञ वैकुंठ और अच्युत रूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज धर्म वामन त्रिधातु तेज पुंज धारण करने वाले विष्णु अनंत एम कपिल रूप आपको नमस्कार है। आप ही विरंची नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी हैं। तीन शिखरों वाला त्रिकूट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। एक सिंह वाले श्रृंगी ऋषि भी आपकी ही विभूति हैं। आपका यश परम पवित्र है तथा संपूर्ण वेद शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। आप वृषाकपि धर्म को अविचल रूप से स्थापित करने वाले विष्णु शिव और इंद्र हैं। संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। ये संपूर्ण विश्व आपकी ही रचना है। भूलोक भोरलोक और स्वरलोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्यों का नाश करने वाले तथा निर्गुण रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंजन नित्य अव्यय और अक्षर रूप हैं। शरणागत वत्सल ईश्वर आपको नमस्कार है, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रणत जनों पर दया करने वाले शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु शुकदेव जी इस प्रकार बोले। श्री भगवान जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग व्यास पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हों। तुम ज्ञानी और साक्षात मेरे स्वरूप हो। ब्राह्मण, तुमने पहले श्वेतद्वीप में जो मेरा स्वरूप देखा है वह मैं ही हूं। संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मैं वहां स्थित हूं। मेरा वही स्वरूप भिन्न भिन्न अवतार धारण करने के लिए जाता है। महाभाग, मोक्ष धर्म का निरंतर चिंतन करने से तुम सिद्ध हो गए हो। जैसे वायु तथा सूर्य आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी समस्त श्रेष्ठ लोकों में भ्रमण कर सकते हो। तुम नित्य मुक्त स्वरूप हो। मैं ही सबको शरण देने वाला हूं। संसार में मेरे प्रति भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वह तुमको प्राप्त हो गई। भद्र का आश्रम में नर नारायण ऋषि कल्पांत काल तक के लिए तपस्या में स्थित थे। उनकी आज्ञा से उत्तम व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता व्यास भागवत शास्त्र का संपादन करेंगे। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और उस शास्त्र का अध्ययन करो। इस समय वे गंधमाधन पर्वत पर तपस्या करते हैं। नारद जी, भगवान जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी ने उन चार भुजाधारी श्रीहरि को नमस्कार किया और वे पिता के समीप लौट गए। तदंतर सुखदेव जी को अपने निकट देखकर परम प्रतापी पराशर नंदन भगवान व्यास का मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्र को पाकर तपस्या से निवृत्त हो गए। फिर भगवान नारायण और नरश्रेष्ठ नर को नमस्कार करके सुखदेव जी के साथ अपने आश्रम पर आई। मुनीश्वर नारद, तुम्हारे मुख से भगवान नारायण का आदेश पाकर उन्होंने अनेक प्रकार के शुभ उपाख्यानों से युक्त दिव्य भगवत संहिता बनाई, जो वेदों के तुल्य माननीय और भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। व्यास जी ने वह संहिता अपने निवृत्ति प्रायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। व्यास नंदन भगवान शुक यद्यपि आत्मा राम है, तथापि उन्होंने भक्तों को सदा प्रिय लगने वाली उस संहिता का बड़े उत्साह से अध्ययन किया। अनक, इस प्रकार ये मोक्ष धर्म बताए गए जो पाठकों और श्रोताओं के हृदय में भगवान जी की भक्ति बढ़ाने वाले हैं। शौनक जी बोले, साधु सूत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ पंडित हैं, विद्वान। आपने हम लोगों को श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कराया है। भगवान जी के प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने सनंदन के मुख से मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि मुनीश्वर उत्तम सिद्ध पुरुष हैं। वे लोगों के उद्धार में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में विचरते रहते हैं। महाभाग, श्री नारद जी भी सदा श्री कृष्ण के भजन में संलग्न रहते हैं और उन्हीं के शरणागत भक्त हैं। उन सनक आदि और नारद का समागम होने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली कौन सी कल्याण में कथा हुई, ये बताने की कृपा करें।
तो सूर्य ने कहा, भृगु श्रेष्ठ, सनंदन जी के द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः उन मुनियों से पूछा। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, किन मंत्रों से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए? श्री विष्णु के चरणारविंदों की शरण लेने वाले भक्त जनों को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? विप्रवरो, भागवत तंत्र का तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करके उन्हें अपने अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देने वाली दीक्षा का वर्णन कीजिए तथा साधकों द्वारा पालन करने योग्य प्रातःकाल आदि के जो जो कृत्य हों उन सब को भी आप हमें बताइए। जिन महीनों में जप, होम आदि जिन जिन कर्मों के अनुष्ठान से परमात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं उनका आप लोग मुझसे वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद का ये वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, सनत कुमार जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं तुमसे भागवत तंत्र का वर्णन करूँगा जिसे जानकर साधक निर्मल भक्ति के द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। आप पहले शैव तंत्र का वर्णन करते हैं। शैव महातंत्र में तीन पदार्थ और चार पादों का वर्णन है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं, भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या। ये शैव महातंत्र में चार पाद साधन कहे गए हैं। पदार्थ तीन ही हैं, पशुपति, पशु तथा पाश। इनमें एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा ही पशुपति हैं और जीवों को पशु कहा गया है। नारद, देखो, जब तक स्वरूप के अज्ञान को सूचित करने वाले मोह आदि से संबंध बना रहता है तब तक इन सब जीवों की पशु संज्ञा मानी गई है। उनका पशुत्व द्वैत भाव से युक्त है। इन पशुओं के जो पाश अर्थात बंधन हैं वे पांच प्रकार के माने गए हैं। उनमें से प्रत्येक का लक्षण बताया जाएगा। पशु के तीन भेद हैं, विज्ञान काल, प्रलय काल और सकल। इनमें प्रथम अर्थात विज्ञान काल पशु मल संयुक्त मल रूप पाश से अवद्ध होता है। दूसरा प्रलयाकल, पशु मल और कर्म इन दो पाशों से संयुक्त बद्ध होता है। और तीसरा अर्थात सकल पशु मल माया तथा कर्म इन तीन पाशों से बंधा हुआ कहा गया है। उक्त त्रिवत पशुओं में जो पहला विज्ञान काल है उसके दो भेद होते हैं, समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष। दूसरे परले काल पशु के भी दो भेद कहे गए हैं, पक्को मल और अपक्कवा मल, अर्थात पक्को पाश द्वय और अपक्को पाश द्वय। विज्ञान काल और परले काल ये दोनों जीव पशु शुद्ध मार्ग पर स्थित होते हैं और सकल जीव कला आदि तत्वों के अधीन होकर विभिन्न लोकों में कर्म के अनुसार प्राप्त हुए तिर्यक मनुष्य आदि शरीरों में भ्रमण करते हैं। पाश पांच प्रकार के बताए गए हैं, मलज, कर्मज, मायाई अर्थात मायाजन्य, तिरोधान शक्तिज और बिंदुज। जैसे भूसी चावल को ढके रहती है उसी प्रकार एक भी मल पुरुष की अनेक शक्ति, दृक् शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति का आच्छादन कर लेता है और यही जीवात्माओं के लिए देहांतर की प्राप्ति में कारण होता है। धर्म और अधर्म का नाम है कर्म। जो विचित्र फल भोग प्राप्त करने वाला है ये कर्म प्रवाह रूप से नित्य है। बीज अंकुर न्याय से इसकी स्थिति अनादि मानेगी है। इस प्रकार ये प्रथम दो मल्यज और कर्मज पाश बताए गए हैं। भ्रमण, अमाये आदि पाशों का वर्णन सुनो। बिंदुस पाश अप्रामुक्ति स्वरूप है और शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। उसका स्वरूप ये है, सत्य, चित्त और आनंद। जिनका स्वरूप भूत वैभव है वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा ही सबके कारण और संपूर्ण जीवों के पति रूप से विराज रहे हैं। जो मन में तो आता है किंतु प्रकट नहीं होता और संसार से निवृत्ति वैराग्य प्रदान करता है,
तथा दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो स्वयं ही विद्यमान है वह उत्कृष्ट शैव तेज है। इसके सिवा जिस शक्ति से समर्थ होकर जीव परमात्मा के समीप दिव्य भोग से संपन्न होता है और पशु समुदाय की कोटि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमात्मा की उस एकांत स्वरूपा आद्या शक्ति को चिद्रूपा कहते हैं। उस चिद्रूपा शक्ति से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ बिंदु दृक् ज्ञान और क्रिया स्वरूप होकर शिव नाम से प्रतिपादित होता है। उसी को संपूर्ण तत्वों का कारण बताया गया है। वह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसी में सन्निहित हुई इच्छा आदि संपूर्ण शक्तियां उसके सकाश से अपना अपना कार्य करती हैं। मुनि इसलिए ये सब पर अनुग्रह करने वाला है। जड़ और चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विश्व की सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नाद के रूप में प्रकट हुआ है, जो शांति आदि से युक्त तथा भवन स्वरूप है। वह शक्ति तत्व सावयव बताया गया है। इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तथा उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रसार एवं अभाव होता है। अतः यह तत्व सदा शिव रूप है। जहाँ दृक् शक्ति द्रोहित होती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है वह ईश्वर नामक तत्व कहा गया है, जो समस्त मनोरथों का साधक है। जहाँ क्रिया शक्ति का तिरोभाव और ज्ञान शक्ति का उद्रेक होता है वह विद्या तत्व कहलाता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं प्रकाशक है। नाद बिंदु और सकल ये सत नामक तत्व के आश्रित हैं। आठ विद्येश्वरगण ईश तत्व के और 7 करोड़ मंत्र गण विद्या तत्व के आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्ध मार्ग के नाम से कहे गए हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात निमित्त कारण है, वे ही बिंदु रूप से शोभित हो। यहाँ उपादान कारण बनते हैं। 5 प्रकार के जो पाश हैं उनका कोई समय ना होने के कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव में विचित्र शक्तियों से युक्त एक ही शिव नामक तत्व विराजमान है। वे शील शक्ति युक्त होने से शाक्त कहा गया है। अंतःकरण के वृत्तियों के भेद से ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु शिव जड़ चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करके अनादि मल से अबद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। सब पर दया करने वाले शिव संपूर्ण जीवों को भोग और मोक्ष तथा जड़ वर्ग को अपने व्यापार में लगने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान शिव के समान रूप का हो जाना ही मोक्ष है। यही चेतन जीवों पर ईश्वर का अनुग्रह है। कर्म अनादि होने के कारण सदा वर्तमान रहते हैं, अतः उनका भोग किए बिना ही भगवत कृपा से मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को अनुग्राहक अर्थात कृपा करने वाला कहा गया है। हम नाशी प्रभु जीवों के भोग के लिए सूक्ष्म कारणों द्वारा अनायासी जगत की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में उपादान और कारणों के बिना नहीं देखा जाता। अब मायापाश का प्रसंग है। यह शक्तियां ही कारण है। माया को उपादान माना गया है। वह नित्य एक और कल्याणमयी है। उसका न आदि है न अंत है। वे माया अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य और लोकों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है। माया अपने कर्मों द्वारा स्वभावता मोहजनक होती है। उससे भिन्न परामाया है जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इस विकार युक्त कार्यों से ये सरता परे मानी गई है। विद्या के स्वामी भगवान शिव जीव के कर्मों को देखकर अपनी शक्तियों से माया को शोभ में डालते और जीवों के भोग के लिए माया के द्वारा ही शरीर एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न माया पहले काल तत्व की सृष्टि करती है। भूत भविष्य और वर्तमान जगत का संकलन तथा लय करती है। तदंतर माया नियमन शक्ति स्वरूपा नीति की सृष्टि कराती है। ये सबको नियम में रखती है, इसलिए नीति कही गई है। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली आदि अंतरहित नित्य माया कला तत्व को जन्म देती है, क्योंकि एक ओर से मनुष्यों के मल की कलना करके वह उसमें कर्तत्व शक्ति प्रकट करती है, इसलिए उसका नाम कला है। ये कला ही काल और नीति के सहयोग से पृथ्वी पर्यंत अपना सारा व्यापार करती है। वही पुरुष को विश्वों का दर्शन अनुभव कराने के लिए प्रकाश स्वरूप विद्या आदि तत्व उत्पन्न नामक तत्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्म से ज्ञान शक्ति के आवरण का भेदन करके जीवात्माओं को विश्वों का दर्शन कराती है, इसलिए वह कारण मानी गई है, क्योंकि वह विद्या भोग्य
उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद्दत शक्ति होकर परम करण के द्वारा महतत्व आदि को प्रेरित करके भोग्य भोग और भोक्ता की उद्भावना करता है। अतः वे विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुष को भोग्य वस्तु की प्रतीति कराने से विद्या को करण कहा गया है। बुद्धि के द्वारा जो चेतन जीव को विषय का अनुभव होता है उसी को भोग कहते हैं। संक्षेप से विषय कारा बुद्धि ही सुख दुख आदि के रूप में परिणित होती है। भोक्ता को भोग्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही होता है। विद्या उसमें सहायक मात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाश मात्र करने वाली है, तथापि कर्म रूप होने के कारण उसमें स्वयं कर्तत्व नहीं है। वे कर्णांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदि से संबंध स्थापित करता और भोगों की उत्कंठा से स्वयं ही बुद्धि आदि को प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदि को शुभ अशुभ चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले फल का उसी को भोग करना पड़ता है। इसलिए पुरुष का कर्तत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तत्व ना स्वीकार किया जाए तो उसके भोक्तृत्व का कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा आचारित सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। यदि पुरुष करण आदि का प्रेरक ना हो और उसमें कर्तत्व का अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असंभव ही है। इसलिए पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका कारण आदि का प्रेरक होना विद्या के द्वारा ही संभव माना गया है। तदंतर कला दृढ़ वज्रलेप के सदृश राग को उत्पन्न करती है, जिससे उस वज्रलेप राग युक्त पुरुष में भोग्य वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए उसका नाम राग है। इन सब तत्वों से जब ये आत्मा भोक्तृत्व दशा को पहुँचाया जाता है तब वह पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात कला ही अव्यक्त प्रकृति को जन्म देती है, जो पुरुष के लिए भोग उपस्थित करती है। वे अव्यक्त गुण में सत्य ग्रंथि विधान का कारण है। इसमें गुणों का विभाग नहीं है, जैसे आधार में पृथ्वी आदि के भाग को विभाग नहीं होता। उसका जो आधार है वह भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन है, उनका अव्यक्त से ही प्राकट्य होता है। उनके नाम है सत्व रज और तम। गुणों से ही बुद्धि इंद्रियां व्यापार का नियमन और विषयों का निश्चय करती है। गुण से त्रिविध कर्मों के अनुसार बुद्धि भी सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की कही गई है। मैं तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंकार की वृत्ति से युक्त होता है। इस अहंकार के ही संभेद इंद्रियां और देवता आदि के रूप में परिणति से विषय व्यवहार में आते हैं। अहंकार सत्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम है तेजस रामस राजस और तामस। उनमें तेजस अहंकार से मन सहित ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई हैं, जो सत्व गुण के प्रकाश से युक्त होकर विश्व का बोध कराती हैं। क्रिया के हेतुभूत राजस अहंकार से कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जो पांचों भूतों के उत्पत्ति के कारण है। इनमें मन इच्छा और संकल्प के व्यापार वाला है, अतः वे दो विकारों से युक्त है। वे बाह्य इंद्रियों का रूप धारण करके जो उनके लिए सर्था उचित है सदा भोक्ता के लिए भोग का उत्पादक होता है। मन और संकल्प से हृदय के भीतर स्थित होकर इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण के तीन भेद हैं। इच्छा बोध और सरंभ अर्थात गर्व या अहम भाव, ये क्रमशः इनकी तीन वृत्तियाँ हैं। कान त्वचा नेत्र जिहा और नासिका ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं। शब्द आदि इनके ग्रह विषय हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्द आदि विषय माने गए हैं। वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। ये बोलने ग्रहण करने चलने मल त्याग करने और मैथुन जनित आनंद की उपलब्धि रूपी कर्मों की सिद्धि के कारण हैं। क्योंकि कोई भी क्रिया करने कर्णों के बिना नहीं हो सकती। कार्य में लगाकर 10 प्रकार के कर्णों के द्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होने के कारण कार्य का आश्रय लेकर सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, इसलिए इन उनका नामकरण है। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं से ही आकाश आदि पंच महाभूत प्रकट होते हैं, जो एक एक विषय गुण के कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाश का मुख्य गुण है, ये किंतु ये पांचों भूतों में सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है, किंतु वह वायु आदि चारों भूतों में विद्यमान है। रूप तेज का विशेष गुण है, जो तेज आदि तीनों भूतों से उपलब्ध है। रस जल का विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनों में विद्यमान है।
तथा ग्रंथ नामक गुण केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है। इन पांचों भूतों के कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं: अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायु में न शीत स्पर्श है न उष्ण है, जल में शीतल स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है, अग्नि में भास्वर शुक्ल रूप है और जल में अभास्वर शुक्ल, पृथ्वी में शुक्ल और आदि अनेक वर्ण हैं। रूप केवल तीन भूतों में है, जल में केवल मधुर रस है और पृथ्वी में छह प्रकार का रस है। पृथ्वी में दो प्रकार की गंध कही गई है, सुरभि तथा असुरभि। तन्मात्राओं में उनके भूतों के ही गुण हैं। करण और पोषण ये भूत समुदाय की विशेषता है। परमात्म तत्व निर्वेश है, ये पांचों भूत सब और व्याप्त हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूत में है। शमशीर में जो इन पांचों भूतों का सन्निवेश है उनका निरूपण किया जाता है। देह के भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दांत हैं ये पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदि में जल की स्थिति है। हृदय में, नेत्रों में और पित्त में तेज की स्थिति है, क्योंकि यहाँ उनके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मों का दर्शन होता है। शरीर में प्राण आदि वृत्तियों के भेद से वायु की स्थिति मानी गई है। संपूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशय में आकाश तत्व व्याप्त है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये तत्व समुदाय संपूर्ण ब्रह्मांड का साधन है। प्रत्येक शरीर में भी ये नियत है, भोग भेद से इसका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में नीति, कला आदि तत्व कर्मवश प्राप्त हुए संपूर्ण शरीर में विचरते हैं। ये मायेक पाश कहलाता है, जिससे ये संपूर्ण जगत आवृत है। पृथ्वी से लेकर कला पर्यंत संपूर्ण तत्व समुदाय अशुद्ध मार्ग माना गया है। अब निरोज शक्तिज पाश का वर्णन करते हैं। भूमंडल में ये स्थावर जंगम रूप से विद्यमान पर्वत और वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। जंगम के तीन भेद हैं, स्वेदज, अंडज और जरायुज। चराचर भूतों में 84 लाख योनियाँ हैं। उन सब में भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। उसमें भी भारतवर्ष में ब्राह्मण आदि द्विजों के कुल में जो महान पुण्य से ही जन्म होता है, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है, पहले स्त्री पुरुष का संयोग होता है, फिर रजवीर के योग से एक बिंदु गर्भाशय में प्रवेश करता है। ये बिंदु द्वयात्मक होता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर का सम्मिश्रण होता है। उसमें रज की अधिकता होने पर कन्या का जन्म होता है और वीर की मात्रा अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि पास से बंधा हुआ कोई आत्मा जीव भाव को प्राप्त होता है। वे मल, माया और कर्म त्रिविध पास से युक्त होने के कारण सकल कहा गया है। गर्भ में माता के खाए हुए अन्न पान आदि से पोषित होकर उसका शरीर पक्ष मास आदि काल में बढ़ता रहता है। उसका शीत जरायु से ढका होता है और अनेक प्रकार के दुख आदि से उसे पीड़ा पहुंचती रहती है। इस प्रकार गर्भ में स्थित जीव अपने पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों का स्मरण करके बार बार दुख मग्न एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समय अनुसार वह बालक स्वयं पीड़ित होकर माता को भी पीड़ा देता है और नीचे मुखी योनि से बाहर निकलता है। बाहर आकर वह क्षण भर निश्चेष्ट रहता है, फिर रोना चाहता है। तंत्र क्रम से प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल पुगंड आदि अवस्थाओं को पार करता हुआ युवावस्था में जा पहुँचता है। इस लोक में देहधारियों के शरीर का इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है, जो संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाले दुर्लभ मानव जीवन को पाकर आत्मा का उद्धार नहीं करते, उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुनी संपूर्ण पशु आदि जीवों के लिए सामान्य कहे गए हैं। जो मूर्ख इन्हीं चार बातों में फंसा हुआ है वे आत्महत्या है। अपने बंधन का उच्छेद करना ये मनुष्यों का विशेष धर्म है। पाश बंधन का विच्छेद दीक्षा से ही होता है, अर्थात बंधन का विच्छेद करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूप दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वे अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अंतःकरण की जो बोध नामक वृत्ति है वह निगढ़ बेड़ी आदि की भांति पाश रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही पाश का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है, अतः शास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आचरण करना चाहिए।
दीक्षा लेकर अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी लंघन नहीं करें। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वे उसी में रहे और उसी के धर्मों का निरंतर पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी मंदनकारक नहीं होते। मंत्र अनुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन जिन लोगों के भोगों को इच्छा करता है मंत्र आराधना की साथ सामर्थ्य से वह उन सब का उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचार का पालन करने वाले मनुष्य को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षा के द्वारा गुरु के स्वरूप में स्थित होकर भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोक परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है वह सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पग पग पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है उसे प्रायश्चित नहीं होता और पग पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व समर्पण करने वाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित का भागी होता है।